तो सांग माने मु आज आपनको सहित ओटे एमिदी रेमेडी शेयर करिको आसीसी जहाको जदि आपन यूज करिवे ताले आपन मध्ये आपनको फेस को ग्लोइंग शाइनिंग और सुंदर करि परिवे सांग माने जोटा कि हमर घरे जिंस हळदिया बेसन को यूज करकि आपन आपनको फेस रो सुंदरता को बढै परिवे आपनको फेस नेचुरली ग्लोइंग आसीबो समस्त आपनको पचारिबे केमिदि आपन एमिती एते सुंदर हेले। तो सांग माने भिडियोटी को लास्ट पजन देखिए बिल्कुल भी स्किप करिवेनि सांग माने। तो आपनको जोटा दरकार सेटा होची घरे सामग्री। तो घरे सामग्री माने बेसन बेसन आम फेस रो कोला दाग पिंपल आकनी को प्रॉब्लम को भल कर फेस को सुंदर बनवे साहय करें। हलदी जोटा कि आपको किचन में बहुत आसान में मिल जाव जहाँकि आम फेस रो ग्लोइंग बहुत भल। तापर आपको जोटा दरकार कच्चा क्षीर। तो यही तीनो जिनस को यूज करके फेस रो सुंदरता को भल भाव में बढ़े पारे आपण फेस बहुत सुंदर हम नेचुरल ग्लोइंग आसो ना आपको पार्लर जावाक पड़ो ना बाहर किसी प्रडक्ट आप यूज करेंगे। तो सांग माने जदि आपको फेस रे कौन सी रिंकल डार्क सर्कल कि ब्लैक स्पॉट पिंपल अच्छी ता बहुत मात्रा रे भल होदी आपण को रेगुलरली कंटिन्यू आपण रुटीन में सामिल करेंगे ताहले आपणको फेस बहुत सुंदर आ ग्लोइंग हो। तो आपणको आपण फेस रे अप्लाई करेंगे अप्लाई कला पूर्व आपण आपण फेस को भल भाव क्लीन करनी तापर आपणको आपण फेस रे अप्लाई करूँ। सांग माने आपणको भल भाव अप्लाई करूँ देखो सांग माने आपणको डेली यूज करूँ यार किसी भी साइड इफेक्ट ना आपण फेस को बहुत सुंदर करिवार ये बहुत साहय कर। सांग माने आपण देखिथे कि मुआकु जहाँ भी यूज करचेन में सामग्री रे यूज करोटा कि हलदी आ बेसन आ क्षीर तो आपण आपको भल भाव आपण फेस रे मसाज करूँ भल से हाथ रे फिंगर थ्रू रे भल से करूँ। आपण आपण फेस को जदि ग्लोइंग आ शाइनिंग करने को चाहूँ तेल यही रेमेडी को निश्चित ट्राए करूँ सांग माने जहाँफल आपण आपण फेस को बहुत सुंदर करेंगे। सांग माने आपण को ना ही किसी फेसियाल दरकार पड़ो ना ही किसी आपण फेस किसी भी बाहर प्रडक्ट यूज करा पड़ो। सांग माने आपण ट्राए करूँ आपण फेस बहुत भल सुंदर शाइनिंग हम सांग माने। तो मुझे मो फेस रे नेचुरल रेमेडी ही यूज कले जहाँफल मो फेस मते बहुत सुंदर लगे। आउ सांग माने जदि भिडियोटी भल लगी प्लीज सांग माने गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करदे। सांग माने कमेंट करने को भी बिल्कुल भूलिबेनि। थैंक यू।